कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर और ताजा अपडेट। खबर यह है कि नॉमिनेशन के जो प्रोसेस है आज पूरी हो गई। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अपना पर्चा भर दिया है। इनके अलावा झारखंड के कांग्रेस नेता के एन त्रिपाठी ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। दिग्विजय सिंह ने अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि खड़गे जी मेरे सीनियर हैं, मैं उनका प्रस्तावक बनूंगा। वहीं राजस्थान सीएम अशोक गहलोत भी खड़गे के प्रस्तावक बनेंगे। अब कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में मुकाबला मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद शशि थरूर साथ ही के एन त्रिपाठी के बीच रह गया है और नामांकन वापसी की आखिरी तारीख है 8 अक्टूबर की। आप सभी को मेरा नमस्कार और आप इतनी देर तक इंतजार किए इसके लिए भी मैं आप सभी का आभार मानता हूं। आज मैं कांग्रेस पार्टी के ओर से अपना नामांकित पत्र पेश किया हूं। आइए अब हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी है, उनसे जरा अपडेट लेते हैं इस पूरी खबर पर। रवि, मल्लिकार्जुन खड़गे का कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में शामिल होना, इसके मायने क्या है? सबसे पहले आपसे जानेंगे, पार्टी के सबसे सीनियर नेताओं में से एक तो है ही, और आगे उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 2024 तो टारगेट है ही, ये सारा कुछ जो प्लान हो रहा है, गेम प्लान, ये 2024 को ही टारगेट करके किया जा रहा है कि आखिर 2024 में पार्टी क्या किस तरीके से चुनाव लड़ेगी। एक अध्यक्ष और एक नेता, मतलब नेता के तौर पे राहुल गांधी जिस तरह से आज की डेट में रोड शो कर रहे हैं, वो उनका भारत जोड़ो यात्रा जो उनकी चल रही है, तो नेता के तौर पर राहुल गांधी होंगे और अध्यक्ष के तौर पे पार्टी को संभालने की जिम्मेवारी एक सीनियर और एक्सपीरियंस लीडर के तौर पे मल्लिकार्जुन खड़गे के तौर के पास होगी, क्योंकि वो लोकसभा में भी नेता रहे हैं और राज्यसभा में भी विपक्ष के नेता हैं। तो तमाम नेता उनसे संपर्क में हैं, उनकी बात मानते हैं और किसी को कोई दिक्कत है तो उनसे बातचीत कर उस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। तो 2024 के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि ये जोड़ी, मल्लिकार्जुन खड़गे का एक्सपीरियंस और राहुल गांधी का जो नौजवान वाली छवि है, यूथ और एक्सपीरियंस के साथ पार्टी आगे बढ़ेगी। और हो सकता है, देखिए 44 से 52 हुई है पार्टी, और पार्टी का जो टारगेट है, मुझे जो खबर मिली है जो बताते हैं कि 140 का टारगेट है। जब जब 140 कांग्रेस पहुंची है तब तब कहीं ना कहीं बीजेपी को सरकार बनाने से, चाहे दूसरी पार्टियों को सरकार बनाने से रोका है, और सरकार कहीं ना कहीं कांग्रेस के समर्थन से बनी है या कांग्रेस की बनी है। तो ये बार टारगेट भी कांग्रेस का यही है। अब कांग्रेस का उस टारगेट को कैसे अचीव कर पाती है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए 2024 से पहले कर्नाटक में जो विधानसभा चुनाव है, खासतौर पर मई 2023 में, वो सबसे बड़ा टारगेट होगा और वही उनका लिटमस टेस्ट भी माना जाएगा। खड़गे कर्नाटक के रहने वाले हैं, दलित नेता हैं, 9 बार विधायक रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, LOP रह चुके हैं, तो पहला चुनौती उनके लिए 2023 का कर्नाटक चुनाव है और 2024 का चुनाव तो वाकई बड़ा चुनौती है कि क्या राहुल गांधी के जो वोट बैंक है, राहुल गांधी का जो वोट बैंक है और राहुल गांधी का जो एक परसेप्शन है उसमें एड ऑन कर पाएंगे, वैल्यू एडिशन कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। ये तो 2024 का रिजल्ट बता पाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव से यहाँ पर 2024 को साधने की कोशिश यहाँ पर काफी हद तक पार्टी कर रही है। फिलहाल जानकारी के लिए और बातचीत के लिए रवि आपका करेंगे धन्यवाद।